दुनिया में जो भी फेमस डेजर्ट्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल। अब देखिए इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। बट आगे चलने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डायग्रामेटिकली मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा डेजर्ट है, कहाँ जैसे वो लोकेटेड है, सब कुछ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप, इस मैप को आप एज इट इज अपने नोट्स पे बना लें। एक बार ये बन गया फिर हम उसके बाद सिर्फ रीडिंग एंड समझने का काम करेंगे। फाइन, आई होप आपने ये मैप बना लिया होगा या पॉज करके आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये डेजर्ट होता क्या है, डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मली जब भी डेजर्ट बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में इमेज आती है जहाँ पे रेती रेत है, कोई रेतीली जगह, वो हम उसे डेजर्ट मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेजर्ट होता है बैरन आइलैंड ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड द लिविंग कंडीशंस आर होस्टाइल फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एक ऐसी बंजर जगह, ठीक है ना, डेजर्ट होता है एक ऐसी बंजर जगह जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और जहाँ पे रहने लायक कंडीशन जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती, ना ही प्लांट्स के लिए ना ही एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। लिविंग कंडीशंस वहाँ पे होस्टाइल का मतलब दुश्मन होती है, वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वाइवल के लिए चाहिए प्लांट्स को और एनिमल्स को वो वहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा, इसको आप बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं अपने आंसर में दैट डेजर्ट क्या होता है, बैरन आइलैंड ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड लिविंग कंडीशंस आर होस्टाइल फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल लाइफ। अब डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। सिंपल भाषा में बात करें, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, आसपास आपको रेत ही रेत दिखाई देगी, वो आपके हॉट डेजर्ट्स होते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे आसपास हर जगह आपको सिर्फ बर्फ़ की चद्दर ढकी हुई दिखेगी और बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है, उन्हें हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो हमेशा डेजर्ट्स का नाम जब आता है ना तो हम उसे सिर्फ हॉट डेजर्ट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। हाई सन एंड सैंडी, रेतीली जगह होती है हॉट डेजर्ट और यहाँ पे सूरज जो है चमकता रहता है, मतलब बहुत गर्मी होती है। कोल्ड डेजर्ट में आइस एंड सन इन द ग्राउंड, आइस एंड सन इन द ग्राउंड माने कि ये इस तरह से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप ऐसे समझना कि बर्फ होती है वहां पे, सूरज भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन उस जो सनलाइट है ना वो उस बर्फ को मेल्ट नहीं कर पाती। अब इसका रीजन क्या है, वहां पे रेज ही नहीं पहुंचती है, जो भी है वो हम ऑलरेडी जो है हमने लैटिट्यूडनल वाला पार्ट जो था वहां पे पढ़ा है, वहां पे क्लियर कर लिया है। नाउ हॉट डेजर्ट में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में और इन लोकेशंस पे आपको हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का एंड पार्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू से पढ़नी पड़ेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी 100 नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलेंगे। हॉट डेजर्ट्स में कैमल्स यानी ऊंट सर्वाइव कर लेते हैं, कोल्ड डेजर्ट में पोलर बियर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सहारा, कालीहारी, अरेबियन थार, ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं। और कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एंड ईरान में जो डेजर्ट है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, अभी हमने हमारा जो मेन कंटेंट है डेजर्ट्स कहाँ पे कौन सा होता है वो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं, तो आप इस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक्सप्लेन हो सके, ठीक है ना। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ज़ेरोफाइट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्लांट्स जो आपको मिलेंगे डेजर्ट्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं दैट दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड रीजन्स लाइक डेजर्ट और स्नो कवर्ड एरियाज। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ जहाँ पे बर्फ ही बर्फ जो है हर जगह फैली हुई है, वहाँ पे आपको इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। वही ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे एरिड होता है, ऐसे सूखे रीजन्स में, ऐसे खुश्क रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल सी बात बोली कैक्टस है, ठीक है, वो आपको मिलेगा ऐसी जगह पे। थॉर्नी वेजिटेशन मतलब कांटों वाली चीज़ें मिलेंगी जिनके रूट्स बहुत डीप होते हैं, तो वो वाटर जो है वहाँ से ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे हम डेजर्ट्स के बारे में यानी मरुस्थलों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से लिखते रहें, हर एक हमारा डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की बात करें तो एशिया में है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, इंडिया में, राजस्थान वाले एरिया में, थोड़ा सा पंजाब हरियाणा का एरिया भी ये कवर करता है। तो अब हम सिर्फ इंडिया समझते हैं लेकिन पाकिस्तान में भी ये कुछ एरिया कवर करता है, ठीक है। तो थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में लाया करता है।
85% ऑफ पार्ट इस डेजर्ट का इंडिया में है, 15% पाकिस्तान में है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, अब डायरेक्शंस भी मैंने आपको आई थिंक कल ही की वीडियो में बताई है ना, तो अब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर जो सूखा सा एरिड रीजन है वो थार डेजर्ट है, ठीक है। अब इंडिया के मैप पे देखें, विस्टो वर्ल्ड मैप पे दिख जाएगा जो आपको वहाँ पर बहुत डीपली लोकेट करना पड़ेगा। इंडिया के मैप में देखेंगे आपको थार डेजर्ट राजस्थान वाले एरिया में वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो डेजर्ट पढ़ना है एशिया के अंडर वो है तकलामाकन डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का जो तकलामाकन है, इसके नॉर्थ में है तियान शान रेंज, साउथ में है कुनलून माउंटेन रेंज, ईस्ट में है गोबी डेजर्ट और वेस्ट में है पामीर माउंटेन्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया एंड चाइना में ये है, ठीक है। वैसे हम मंगोलिया ही पढ़ते हैं बट चाइना का भी काफ़ी एरिया ये कवर करता है। इसके अलावा कुछ और डेजर्ट्स भी हैं जो एशिया में हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्री में है, तो वो हम देख लेते हैं। ऑर्डस एंड लॉप, ये दो डेजर्ट्स हैं चाइना में। कराकुम सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्रीज जो आती हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उन सब में, लेकिन 70% पार्ट इसका तुर्कमेनिस्तान में है, बाकी जो है सेंट्रल एशिया के जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे लाई करते हैं। दश्ती मार्गो जिसका मतलब है डेजर्ट ऑफ डेथ, अफगानिस्तान में है। खारन चोलिस्तान पाकिस्तान में। अच्छा, हमने जो थार डेजर्ट पढ़ा ना, मैंने आपको बताया कि थार डेजर्ट 15% पाकिस्तान में है, 85% इंडिया में है, तो जो 15% पाकिस्तान में है ना थार डेजर्ट, उसे ही चोलिस्तान कहते हैं वहां पे, ठीक है। तो थार और चोलिस्तान एक ही है, हमारे यहाँ पे थार कहते हैं, उनके वहां पे से चोलिस्तान कहते हैं। फिर है दश्ती लूट और दश्ती कावी, ये ईरान में है। अब इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको जैसे मर्जी याद करना है। अरेबियन डेजर्ट, ये अरेबियन पेनिनसुला में है, वेस्टर्न एशिया में, और ये सबसे बड़ा डेजर्ट है एशिया का, ठीक है। अब अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, ये सब वहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हैं मैप के ऊपर। बाकी मैंने स्टार्टिंग में जो मैप बनाया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है डेजर्ट्स को, वो आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। एक बार एशिया आपने देख लिया, वहाँ पे जाके एशिया के ऊपर नज़र मारें कि क्या ये डेजर्ट्स मैंने वहाँ पे ड्रॉ किए हैं, किस तरह से ये बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या लोकेशन है, वो सब कुछ आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हुआ कम्प्लीट, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जहाँ के डेजर्ट्स हमें पढ़ने हैं वो है अफ्रीका। दो सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स यहाँ के हैं, सहारा एंड कालाहारी। सहारा की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। कवर्स मच ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। अब अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में देखेंगे तो जो मैप का जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट है वो मैक्सिमम सहारा डेजर्ट के अंडर आता है। इसकी बाउंड्री 11 कंट्रीज को टच करती है, कौन कौन सी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट यू नेवर नो, क्योंकि सबसे बड़ा डेजर्ट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। कंट्रीज है अल्जीरिया, छाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ओवरऑल ये थर्ड लार्जेस्ट है। अगर देखिए हॉट डेजर्ट की बात करें ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा है सहारा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले है अंटार्कटिका डेजर्ट। अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट भी है, एक आइस शीट से कवर्ड है, हमने पढ़ा है इसके बारे में जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अभी तो हम वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। सो अंटार्कटिका डेजर्ट सबसे बड़ा है। सेकेंड नंबर पर आता है नॉर्दर्न आर्कटिक डेजर्ट, फिर थर्ड नंबर पे आता है सहारा ओवरऑल में। बट अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा सहारा है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो अफ्रीका में है वो है कालाहारी। इसका मैक्सिमम पार्ट बोट्सवाना में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे लाई करता है, कौन सी कंट्री में लाई करता है कालाहारी का, तो वो है बोट्सवाना में, प्लस पार्ट्स ऑफ नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, कुछ इन इसके पार्ट्स जो है इन कंट्रीज के, वहां भी कालाहारी लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ और डेजर्ट्स भी हैं जिनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, जो कि अफ्रीका में लाई करते हैं, ठीक है। नामिब डेजर्ट है नामीबिया में, दनकिल डेजर्ट है एथियोपिया में, वाइट डेजर्ट, अच्छा एक रेड डेजर्ट है वो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में आता है, एक वाइट डेजर्ट है जो अफ्रीका में आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। वाइट डेजर्ट हमारा वेस्टर्न इजिप्ट में है, इजिप्ट से क्या है, नील नदी का ओरिजिनेशन हम पढ़ते हैं, वाइट नील, ब्लू नील, फिर वो खारतूम में मिलती है विच इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान, फिर आगे जाती है, ये सब हमने पढ़ा है ना, प्रीवियस वीडियो में ही हमने पढ़ा था वर्ल्ड की रिवर्स, वहां पे पढ़ा था वर्ल्ड रिवर वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइन सीरीज की प्लेलिस्ट में आप देख सकती हैं। नेक्स्ट आता है नूबियन डेजर्ट। अभी जो नूबियन डेजर्ट है नॉर्थ ईस्ट सूडान में है,
ठीक है जी। चलिए अफ्रीका भी हो गया हमारा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार मैप वाला पार्ट जाकर देखें, ठीक है, क्योंकि एक बार वहां से रिवाइज करें जो मैंने आपको अफ्रीका के डेजर्ट्स पढ़ाए, एशिया के डेजर्ट्स पढ़ाए, उसके बाद से फिर हम नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो मिनट पॉज कर लें या प्रीवियस जो आपने जहां पे नोट्स बनाए हैं वहां जाके रिवाइज करें। नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, सो चिहुआहुआन डेजर्ट। अब कई जगह यहाँ पे ना एन भी लिखा हुआ है, आप देख लेना, चिहुआहुआन डेजर्ट मैक्सिको प्लस यूएसए में। देखिए तीन ही मेन कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको है, फिर कैनेडा है, फिर यूएसए है, ये तीन है, राइट। अब इसके अलावा ऐसा नहीं, यही तीन है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं बट मेन यही तीन रहती हैं, है ना। तो चिहुआहुआन डेजर्ट मैक्सिको प्लस यूएसए में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, एंटायरली यूएसए कंट्री में लाई करता है, लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। मुजावे डेजर्ट है, ये भी यूएसए में लाई करता है। डेथ वैली जो है वो भी मुजावे डेजर्ट का ही पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्दर्न मुजावे डेजर्ट है वहां पे डेथ वैली है, बॉर्डरिंग द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ ये बाउंड्री बनाती है। और ये डेथ वैली है क्या? सो दिस प्लेस इज थॉट टू बी द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ ड्यूरिंग द समर। माना जाता है कि गर्मियों में सबसे गर्म जगह है अर्थ के ऊपर क्या? डेथ वैली। फिर आता है रेड डेजर्ट। अब हमने व्हाइट डेजर्ट अभी यहाँ पे पढ़ा था, देखिए थोड़ा सा दिख भी रहा है, वेस्टर्न इजिप्ट में है ना, अफ्रीका में है। वैसे ही रेड डेजर्ट है व्योमिंग यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। ये दो तो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। फिर आता है आपका सोनोरन। अब ये जो सोनोरन डेजर्ट है ये यूएसए प्लस मैक्सिको, इन दोनों कंट्रीज में है, ठीक है। अब देखिए हमने नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया ये सारे पढ़ लिए। हमारा एक ऑस्ट्रेलिया में भी आता है इंपॉर्टेंट, है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हम उसे बोलते हैं। साउथ अमेरिका में आता है पैटागोनियन, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो मेरी हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उनके। अभी ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली इसके आप परचेज नहीं कर सकते। और उसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट इतनी भी लेंथी नहीं है, है ना। अब टॉपिक बढ़ा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नाउ अब हम चलते हैं सीधे अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैटागोनियन डेजर्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए आप साउथ अमेरिका के ऊपर देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज वहाँ पे हैं, ठीक है। अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, बहुत सारी हैं, ब्राज़ील है, उन्हें देखें, ठीक है। नाउ एक बार आपने नज़र मार ली फिर आप इन डेजर्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करें। जो पैटागोनियन डेजर्ट है सबसे बड़ा डेजर्ट है अर्जेंटीना का, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ पे है देखें, अटाकामा डेजर्ट आता है, चिली प्लस अर्जेंटीना इन दोनों कंट्रीज में लोकेटेड है। दिस इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एक सबसे सूखा डेजर्ट है जो कि नॉन पोलर है, मतलब पोल्स पे सिचुएटेड नहीं है, लेकिन ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरी दुनिया का। लार्जेस्ट फॉग डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब फॉग डेजर्ट क्या होता है? फॉग डेजर्ट ऐसा मतलब जहाँ पे फॉग बहुत होगी, ठीक है, फॉग माने धुंध बहुत होगी। सो वेयर फॉग ड्रिप सप्लाइज द मेजॉरिटी ऑफ मॉइस्चर नीडेड बाय प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जहाँ पे जो धुंध होती है ना उससे मॉइस्चर निकलता है और उससे जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को वाटर चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वाटर ड्रिपिंग टू द ग्राउंड ड्यूरिंग फॉग। फॉग डेजर्ट समझा दिया, फॉग ड्रिप समझा दिया, थोड़ा सा आप खुद से भी देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉग डेजर्ट है, मतलब धुंध वहाँ बहुत होती है और इसी धुंध के थ्रू जो भी मॉइस्चर चाहिए होता है प्लांट्स को एनिमल्स को वो मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। सो अटाकामा डेजर्ट चिली प्लस अर्जेंटीना, पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है मोंटे डेजर्ट, तो ये भी अर्जेंटीना में है, अ स्मॉलर डेजर्ट ओवर द पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट से थोड़ा सा ऊपर है मोंटे डेजर्ट। फिर आता है सेचुरा डेजर्ट। सेचुरा डेजर्ट है पेरू में, राइट। तो चार डेजर्ट हमने पढ़े साउथ अमेरिका के, पैटागोनियन, अटाकामा, मोंटे एंड सेचुरा। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स, लेकिन उससे पहले थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डेजर्ट से रिलेटेड हमें पता होने चाहिए वो पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल पूरी दुनिया में ओवरऑल अंटार्कटिका है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट यानी गर्म मरुस्थल पूरी दुनिया में, तो वो सहारा है। ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है? अटाकामा है, अभी हमने पढ़ा है ना, चिली प्लस अर्जेंटीना में है। ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है, लार्जेस्ट फॉग डेजर्ट है, याद रखना है। लार्जेस्ट डेजर्ट साउथ एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, थार कहाँ पे है? इंडिया में है, 85% इंडिया में है, 15% पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं, सब हमने पढ़ा। डेजर्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यस। देखिए नॉर्मली ना जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, इन एरियाज को इनहेबिट करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कैसे लोग रहेंगे जब लिविंग कंडीशंस ही सही नहीं है। लेकिन ऐसा डेजर्ट जहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या रहती है वो है थार,
राइट, कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट, ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ एक भी डेजर्ट नहीं है। तो आपने देखा यूरोप तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। देखिए अंटार्कटिका तो आइस शीट से कवर्ड है, वो तो हो गया हमारा कोल्ड डेजर्ट, उसके बारे में क्या पढ़ना। ठीक है, तो बचे छः, हमारे छः में से एक यूरोप है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, ये नहीं हमने पढ़ा। तो हमने सिर्फ पाँच पढ़े ना, एशिया पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी, हमें ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट कौन सा है, यूरोप है। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में वो है आर्कटिक डेजर्ट, नॉर्दर्न आर्कटिक डेजर्ट, राइट। इसे आप रख लें याद, कहीं पे लिख लें, बहुत जरूरी है। अब हमारा लास्ट ही टॉपिक है ये, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ही डेजर्ट है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, बट एक्चुअल में ये बहुत सारे डेजर्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं थार डेजर्ट को, है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, लेकिन वो एक ही है, उसका नाम दो है। लेकिन ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है ये बहुत सारे डेजर्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वेस्टर्न प्लेटू, जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेंगे ये डेजर्ट्स। ग्रुप ऑफ मैनी डेजर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। अच्छा, यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्यों अराइज होते हैं, क्यों यहाँ पे डेजर्ट्स बनते हैं? तो यहाँ पे ओशन करंट्स चलती हैं, कोल्ड ओशन करंट्स का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ओशन करंट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वो कंसेप्ट आप देखें, बहुत अच्छे से आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।